2 साल में वापस जाएंगे, तेरे अगर 10 लाख यहाँ से लेके जाएंगे ना। आज है रक्षाबंधन, जो पीछे दिख रही है वो है हमारी सोसाइटी। Hey guys, welcome back to a new vlog. और आज है रक्षाबंधन, सो हैप्पी राखी टू एवरी वन। और हम लोग आज आए हैं एक ग्रुनेबो कैसल करके है गोथेनबर्ग में। तो आज लास्ट संडे है गोथेनबर्ग, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं जैसे मैंने बताया। तो आज हम लोग थोड़ा वो कैसल देखेंगे क्या है वहाँ, और ऐसे ही एक व्लॉग बनाएंगे। और हम लोग पहुंच गए, दिस इज द पार्क और द कैसल। तो गोथेनबर्ग से, गोथेनबर्ग में अगर आप रह रहे हो तो यालमार से आप X4 ले सकते हो, एंड देन हेडन करके एक स्टॉप आएगा, वहां से 753 और यहां पे आप पहुंच जाओगे। स्वीडन में एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है हमें वो है ग्रीनरी। यहाँ पे बहुत सारे नो पेड़ पौधे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जगह, यहाँ पे जितने सारे ट्रीज़ देख रहे हो आप, इतने मतलब इनका शेप जो है पूरा प्रॉपर है, मतलब काफ़ी मेंटेनेंस लगता होगा यहाँ पे, बट काफ़ी अच्छी जगह है अगर आप टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये जो पार्क है यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊँगा यहाँ पे, जैसे स्वीडन में मैंने देखा है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू अबाउट स्वीडन और सारे वेस्टर्न कंट्रीज़, तो यहाँ पे बच्चे अगर खेल रहे हैं ऐसे, ये ऐसे जगह है यहाँ पे, ठीक है, तो बच्चे ऐसे चल के अगर दूर जा भी रहे हैं ना, तो उनके मम्मी पापा इतना टेंशन नहीं ले रहे, उनको फ्रीली जाने दे रहे। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग यू नो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल कहीं जाने नहीं देते। बट आई थिंक ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए। आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग टू डू। कुछ पैसे ही नहीं बचे, 2 साल में हुआ ही क्या, अभी तो दुनिया, अभी तो यूरोप। मैं बोला कि अच्छे 2 साल में वापस जाएंगे तो क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा, तो खुश रहोगे। तुमने मोटी तेरी अगर 10 लाख यहाँ से लेके जाएंगे ना, तो भी ठीक है। हमें जो यहाँ पे वर्क कल्चर की आदत हो गई है, तुम कैसे वहाँ जाके एडजस्ट करोगे, वो बहुत मुश्किल है। तुम फिर से वो हायरार्किकल सिस्टम में घुसना, थोड़ा बटरिंग, थोड़ा मेहनत, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा थकावट। आज है एक सनी डे, मैं हूँ स्टॉकहोम में, और अभी अभी हम मूव किए, तो मैं वीडियो एक्चुअली बना नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग बिजी रह रहे हैं। ऑफिस तो रहता है, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं शॉपिंग करने, घर का सेटअप करने के लिए। और अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि ये फर्स्ट टाइम घर है, तो पूरा का पूरा ये अनफर्निश्ड था, तो पूरा फर्निश करना पड़ रहा है, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही, बट आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो पीछे दिख रही है वो है हमारी सोसाइटी, और अभी नई बनी है, तो वी आर द फर्स्ट जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो घर काफ़ी नया है, तो घर अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, जब घर पूरा सेटअप हो जाएगा तब एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली आइकिया, क्योंकि आइकिया यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है स्टॉकहोम में कि गोथेनबर्ग से आने के बाद ये पता चल रहा है कि चीज़ें इतनी इतनी दूर है, बहुत ट्रैवल में टाइम चला जाता है। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं स्टॉकहोम में, वो उसका नाम है शिस्ता। तो स्टॉकहोम सिटी जो है ये काफ़ी, ये काइंड ऑफ अ सबर्ब बोल सकता हूँ मैं उसको, 10 किलोमीटर दूर है सिटी से, और थोड़ा सा सस्ता है कंपेयर टू लाइक सेंट्रल। तो इसलिए हम, मतलब मैं चूज़ नहीं किया हूँ, मैं तो बस अप्लाई कर रहा था घर, और फाइनली यहाँ पे एक मिल गया, तो अभी तो यहाँ पे रहते हैं कुछ दिन, फिर देखते हैं। और स्टॉकहोम और यहाँ पे मतलब सॉरी गोथेनबर्ग और स्टॉकहोम में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो बस स्टॉप है वहाँ पे कोई डिजिटल आपको नहीं दिखेगा, बस का जो नाम है या नंबर वो सब नहीं दिखेगा, लेकिन गोथेनबर्ग में हर जगह जो है वो डिजिटल रहता था। और यहाँ पे थोड़ा सा अंदर रहता है, यहाँ पे स्टेशन का नाम मतलब स्टॉप का नाम अंदर रहता है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बट अभी अभी हम लोग थोड़ा सा यूज्ड टू हो रहे हैं उस चीज़ में,
बट हाँ, मुझे लगता है कि वास्तविक जो है गोथेनबर्ग का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी. पता नहीं, अभी लोग अगर बोलेंगे नहीं स्टॉकहोम में मतलब ज़्यादा बेहतर है, बट मुझे तो लगा कि वास्तविक इज़ बेटर ऐप और द वे दे ऑपरेट. और नेहल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा स्टॉकहोम, वो अपने दोस्तों को बड़ा मिस कर रही है. स्टॉकहोम कैसा है तू बता? बहुत भीड़ है, बहुत टाइम लगता है. गोथेनबर्ग अच्छा था, शांति से रहो. हाँ भाई, मतलब मैंने कुछ लोगों से बात किया, बोला कि यार मेरे को गोथेनबर्ग ज़्यादा पसंद है. फिर बोला कि मैं स्टॉकहोम में कुछ दिन रह के गोथेनबर्ग गया था, दो तीन दिन के लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. तो मैंने सोचा हाँ मैं भी, पता नहीं. हमारा जो घर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेटअप वगैरह हमने कर लिया. अभी बस कर्टन लगाने, थोड़े बहुत कारपेट और मैट वगैरह बिछाना है नीचे. और यहाँ पे जो फ्लोरिंग हमें मिली है वो पूरा प्रॉपर ऐसे वुड नहीं है जैसे गोथेनबर्ग में या फिर स्वीडन में घरों में रहता है, थोड़ा अलग है. ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए हमको थोड़ा सा पहले सेटअप करके थोड़ा वैक्यूम करके हमेशा क्लीन रखना पड़ता है. बट अभी हाँ, हम लोग जो आइकिया जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे गोथेनबर्ग में बस एक ही आइकिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आइकियाज हैं. जैसे आइकिया किचन हो गया या फिर आइकिया बाथरूम होता है, बेडरूम ऐसे स्पेसिफिक रहता है मतलब. हाँ लेकिन हाँ, एक एक आइकिया है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है. तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, उसका नाम है बार्कर भी, जो भी है उसका नाम बार्कर भी है शायद. हाँ. नाम जानने में भी थोड़ा टाइम लगेगा. अभी हम लोग दूसरे स्टॉप पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं, डिस्प्ले नहीं है कि कितने टाइम पे बस आने वाली है, तो फिर ऐप खोल के देखना पड़ रहा है, ये एक दिक्कत है. और ये रहा ऑडी का शोरूम. तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक स्टॉप, और जो भी है तो वहाँ पे एक्चुअली JYSK के बारे में बताया हूँगा कि वहाँ पे फर्नीचर वगैरह मिल जाता. तो हुआ क्या है कि हमने ये लिया है आइकिया से कर्टन टांगने के लिए, लेकिन हमारे घर में जो है वो वॉल बहुत पतला है, तो वहाँ पे ड्रिल करना मुश्किल है, और ड्रिलिंग के लिए लोग 700-800 क्रोना मांग रहे हैं एक घंटे के काम के लिए. तो हम अभी ये लौटा रहे हैं, और एक टेंशन रॉड मिलता है तो दीवार के बीच में आप उसको लगा सकते हैं, तो वो चल तो टेंशन रॉड जो है वो लेके आज लगाएंगे और देखेंगे. वो काम करता ही नहीं, वो सस्ता है और काम भी हो जाएगा. तो गाइज हमारी शॉपिंग हो गई है ख़त्म, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक था यार, क्योंकि हर दिन हम लोग 5 बजे के बाद निकलते, भागते हैं आइकिया और जो जो भी फर्नीचर स्टोर या फिर जहाँ से मार्केट प्लेस से हम लोग कलेक्ट करें, तो हमें जाना पड़ रहा है. बिल्कुल रेस्ट नहीं है, लेकिन आज फिलहाल सब कुछ मोस्टली ख़त्म हो गया है. कल एक डाइनिंग टेबल लाना है और कुछ वेजिटेबल्स, लेकिन आज का जो हमारा था स्ट्रगल ख़त्म हो गया है. अभी बज रहे थे 8:30, तो 8:30 बजे हम फर्स्ट टाइम घर पहुँच रहे हैं इतनी जल्दी. नॉर्मली हम 10 बजे पहुँचते हैं सब कुछ ख़त्म करके. तो चलते हैं घर पे और ये जो कर्टन लिए उसको सेटअप करते हैं. तो गाइज अभी घर पहुंच चुके हैं हम लोग, और घर पूरा ख़राब पड़ा है. अभी ये हमारा एंट्रेंस है और यहाँ पे पूरा गंदा है, तो दिखा नहीं रहा हूँ. बट अभी हम लोग कर्टन को लगाते हैं, फिर देखते हैं. यहाँ पे लाइटिंग, मैंने ये लाइट्स वगैरह लगा दिए, तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी है घर पे, तो वो एक अच्छी चीज़ है. और वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा लाइटिंग मिलेगा मुझे, तो अभी लगाते हैं कर्टन. तो गाइज पर्दे जो है वो लग गए हैं, लेकिन बहुत ही घटिया तरीके से लगे, क्योंकि ये जो है नीचे ऐसे बह रहा है. तो अभी क्या करना है, इसको एक उपाय है, उन्होंने बताया है कि अगर एक छोटा सा एक धागा दिया है, वो धागा रख के वो प्रेस करने से आयरन से, तो फिर वो लग जाएगा, तो दूसरा पार्ट जो बचेगा उसको काट के फेंकना है. तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि आयरन हम लोग लाए नहीं है, बहुत सारा सामान जो है गोथेनबर्ग में अभी भी है मेरे फ्रेंड के घर. तो चलते हैं अभी गोथेनबर्ग तुरंत और लेके आते हैं, लेट्स गो. अभी पूरा अकेले हूँ मैं मेट्रो में, और कोई नहीं है यहाँ पे, मेरा मतलब मेट्रो स्टेशन ये है शिश्ता का मेट्रो स्टेशन. और ये एक ही मेट्रो स्टेशन है जो शायद खुला है, बाकी सारे अंडरग्राउंड नीचे. जस्ट रीच द सेंट्रल स्टेशन.